हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ध्रुव मोनो। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज डेट कौन सा है? आज है 27 फरवरी। सो आज 27 फरवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी खत्म होने वाली है। तो हम लोग आ गए हैं फ्लैट पे और थोड़ी देर वीडियोस वगैरह देखा, तो अभी वही 9:30 बज रहे होंगे। तो हम लोग किचन में आए हैं, तो पता भी नहीं चला 2021 का 2 महीने निकल गया। हाँ, तो यहाँ पे अभी चाय भी बन रही है, ये देखिए। और अभी मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन है, कॉफी के कप वगैरह, वो वॉश करूंगी, फिर आपसे मिलते हैं। और आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आज बनेगा फिर से लिट्टी चोखा, उसका सामग्री यहाँ पे है। सो आज हम लोग लिट्टी चोखा बनाने वाले हैं, तो आप लोगों के साथ आज हम लोग रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि रेसिपी दिखाने के लिए। तो आज हम लोग लिट्टी चोखा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग यही से कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एक बैगन लिया है, 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्च अभी खरीद के लाए हम लोग। सत्तू तो घर पे ही था और आटे की लिट्टी बनाएंगे, तो आटा भी घर पे है। सो गाइज, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। सो अभी सुबह में जो भी थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे उन्हें मैं वॉश कर लूँगी। तो ऐसे ही करके दिन का स्टार्ट होता है, और मैं एक दिन पहले के बर्तन तो छोड़ के नहीं जाती हूँ, बट सुबह में किसी रीज़न से कुछ बर्तन रह जाते हैं, तो वो मैं अभी धो रही हूँ। सो ये रेडी हो गई मैं चाय और बिस्किट, और अब हम लोग चलेंगे खाने, चलते हैं। और ये हम लोग बैठ गए अपनी जगह पर, अब यहाँ पे चाय और बिस्किट खाएंगे और पियेंगे, और कुछ मोबाइल्स वगैरह चेक करेंगे या फिर वीडियोस की प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे करना है, पहले खाना है या पहले वीडियो करना है, फिर एडिटिंग। और यहाँ पे मेरा फ़ोन छूट गया था, तो मैं अभी उसी को लाने गई हूँ, और इसी तरह से हम लोग बिस्किट खा लेंगे। और आज हम लोगों ने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया था, क्योंकि हम लोग को बहुत मन था, कुरकुरी थी पूरी बिस्किट। हाँ, तो गाइस, चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैगन को इस तरह से इस पे पका लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें होल करके इसमें मिर्ची या फिर लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं, बट अभी मैं इसे अब सिंपल बना रहा हूँ। उसके बाद मैं टमाटर को भी पकाऊंगा इसी तरह से। तो हम लगते हैं तुम लग रही है, हम मेकअप पे है ना। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ बैगन पका रहे हैं, हम बता चुके हैं। ओ अच्छा, और मैं शूटिंग कर रही थी, अभी एक शूट और बाकी है, वो छोटा सा करके आना है, फिर इनकी हेल्प करना है, मतलब ये मेरी हेल्प या मैं इनकी हेल्प जो भी है करेंगे, यानी कि दोनों को मिलके बनाएंगे। और यहाँ पे बताओ मेरे। हाँ, सो ये है हमारा हनी का जार, जिसके जो भी पूरा क्लीन कर दिए इसका रैपर, जिसके जो भी रैपर वगैरह हैं इन्होंने हेल्प करके, मतलब इन्होंने ही पूरी तरह से क्लीन कर दिया, मुझसे तो रह जाता था बट इन्होंने अच्छे से। और ये 2 ठो कॉफी वाला भी किया, कॉफी वाला जार भी इन्होंने क्लीन किया है। आप भी इस तरह से इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये रीयूज किया जा सकता है आराम से। प्लास्टिक वाले में रखने से तो ज्यादा अच्छा, यही सुंदर भी ग्लास वाले जार होते हैं। हमारे पास बहुत कलेक्ट हो गए हैं, और भी होंगे अभी, क्योंकि हम लोगों ने फिर से हनी मंगाया है। तो यहाँ मैंने पका लिया है 1 बैंगन, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, हालांकि एज एक्सपेरिमेंट, देखते हैं सक्सेस होता है या नहीं। हालांकि टेस्टी तो लगे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में भी देखा है कि रोस्ट करके चिली बनाते हैं, और काफ़ी टेस्टी भी लगता है, देखने में ही लगता है, आज खा कर भी देखते हैं। मैंने छोटे छोटे 2 आलू भी डाल दिया है उबलने के लिए, और इधर पर मैंने इसका पीस निकाल चुका हूँ, और ये काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चोखे की भी तैयारी हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे आटा ले लिया है लिट्टी बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है मैंने, और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा मंगरेला जॉइंट भी ऐड करूँगी, उससे जो टेस्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आप लोग भी बनाते हैं कुछ पूड़ियाँ वगैरह और ऐड नहीं करते हैं, तो एक बार ऐड करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा। तो मंगरेला जॉइंट भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और अब हल्का सा रिफाइंड भी ऐड कर दूँगी, इससे जो है लिट्टी थोड़ी अच्छी और खासती बनती है। वैसे तो बहुत लोगों को रिफाइंड ऐड करना पसंद नहीं होता है, तो आप नहीं भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभार कुछ खा वाली है तो उतना भी बुरा नहीं होता है। तो इस तरह से ऐड करके उसके बाद में मैं आटे को गूंथ लूंगी।
और ये है सत्तू, और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है। सो और आटा भी मैंने लगा लिया है, और अब मैं सत्तू को भी अच्छे से मैश करके हल्का सा गीला कर लूँगी, जिससे कि जब मैं इसे आटे में भरूँ तो ये अच्छे से इसमें सेटल हो पाए और फूट के बाहर ना निकले। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं लिट्टियाँ बना रही थी और इनको कहा था थोड़ी हेल्प करने के लिए, तो इन्होंने जो रिफाइन है उसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था, तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी, तो थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि बाद में मुझे खाकर शूट भी करना है, फिर ये एडिट वगैरह करेंगे। और गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, आप लोग देख ही सकते हैं किचन में अभी से ही थोड़ी बहुत गर्मी लगने लगी है। ये है हमारी लिट्टी, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो रही है, ये हेल्प कर दी है मेरी। मैं वहाँ पर बेल के इसे आप कह सकते हैं गोल गोल कर रही थी, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये छान के बाहर निकाल रहे थे। कुछ इस तरह से ही लिट्टी को हमें बेलना होता है, अंदर में आपको सत्तू डाल लेना होता है और फिर अच्छे से गोल करके इसमें भर दीजिए सत्तू को, और उसके बाद फिर कुछ नहीं, इसे आपको छान लेना है जैसे कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी खुलने लगी थी तो मैं इसे बार बार इस तरह से कर रही हूँ, और इसी तरह से करके मैंने बना लिया था। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल भी देके मैंने दिखा दिया, इस तरह से गोल गोल कर लेंगे और फिर कुछ नहीं, जो भी सत्तू है ये मेरा लास्ट है तो बहुत कम बचा है यहाँ पे, तो इस तरह से जो भी सत्तू अपने या फिर जो भी आलू जो भी आप चाहें भर के बना सकते हैं। तो यहाँ पे सत्तू को ऐसे भर लिया है मैंने, और फिर अभी इसे क्लोज कर देंगे और अच्छे से रोल कर देंगे, बस हो जाएगा। और फिर इसे छान लेना है, इनका काम ख़त्म हो गया, अब मैं उधर संभाल लूँगी। बस इस तरह से करके आपको गोल करके बना लेना है, बहुत ही अच्छी टेस्टी लिट्टी बन जाती है और काफ़ी कुरकुरी भी होती है। बस ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर से पक जाना चाहिए, कच्चा रहेगा तो थोड़ा गीला। सो गाइस ये तैयार हो गया है हमारा प्लेट, और इसमें लिट्टी और ये चोखा, और अभी बज रहे हैं 2:55। तो ये हमारा लंच है, अभी हम लंच करने वाले हैं, और लिट्टी चोखा स्पेशली इसके लिए बनता है क्योंकि इसको बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे लिए बनवाते हैं, हम भी खाते हैं। सो गाइज अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और अभी मैं एडिटिंग कर रही थी तो अभी मैं उसको फिक्स कर रही हूँ यानी सेव कर रही हूँ, और आज तो शाम में आँख भी लग गई थी, दोपहर में तो थोड़ी देर में सो गई थी, तो अब उठी हूँ आपको दिखाती हूँ। शाम हो चुकी है और 6 बज रहा है अभी तो, और यहाँ पे भी सब कुछ हम लोगों ने मिलकर समेट लिया था क्योंकि कल है संडे, तो कल हम लोग आने वाले हैं नहीं, तो सब कुछ यहाँ पे सरिया दिया है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं छोड़ा है ताकि मंडे से आकर और ज्यादा काम कर सके। और क्योंकि शाम हो गई है तो आप लोगों को थोड़ा सा नजारा दिखाना तो बनता है, देखिए। अब मुझे धोने हैं थोड़े से बर्तन जो कि वो दोपहर के लंच के थे, तो पहले चलते हैं बर्तन धो लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो यहाँ पे शाम वाले बर्तन मैं धो रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो लिट्टी वगैरह खा के हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया था और वीडियो के काम करने निकल गए थे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन वॉश कर दे रही हूँ और ये उसे रखने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। और अब सभी काम करके मैं आ गई हूँ रूम में, यानी कि थोड़ा रेस्ट और वीडियो का काम। अभी 6:30 कुछ इसी तरह का टाइम हो रहा था, बर्तन मैंने धो लिया था, तो ये किचन में या कहीं पे हैं, कुछ कर रहे हैं, अभी आएंगे। 15-25 मिनट करते हैं, जाना भी है, कल पार्टी में भी जाने वाले हैं। हाँ, कल मेरे फ्रेंड का एंगेजमेंट है तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जो भी कर पाएंगे।